महंगाई ने गरीब आवाम का जीना धोबर कर दिया। सरकारी रेट लिस्ट में दो सब्जियों की कीमत में इजाफा। टमाटर 180, लहसुन 340 और प्याज 200 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगे। फल भी सरकारी निरखों के बरअक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे। सेब 110 रुपये फी किलो और केले 140 रुपये फी दर्जन तक बिकने लगे। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, जी बिल्कुल, आज हफ्ते का पहला कारोबारी रोज है और आज जो मार्केट कमेटी की जानेब से सरकारी नियमनामे जारी किए गए उन पर अमल दरामद जो है ना शहर की सब्जी मंडियों में हो रहा है और ना ही बाजारों में इन पर अमल दरामद होता कहीं दिखाई दे रहा है। दो सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया जबकि प्याज और टमाटर की कीमतें जो है बदस्तूर महंगियों के लिए जो है वो बुलंद रखी गई है। बाकी के मार्केट में इस वक्त प्याज जो है 200 रुपए फी किलो तक और टमाटर 180 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। इस तरह लहसुन 340 रुपए फी किलो तक और अदरक 390 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें लीमू देसी 16 रुपए महंगा करके 175 रुपए फी किलो कीमत मुकर की गई है, लेकिन मार्केट में लीमू देसी जो है वो 200 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। इधर मौसमी सब्जियों में इंडे फार्मी 40 रुपए में कर किया गया लेकिन फ्रोक 50 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। आलू कच्चा चीता 62 रुपए में कर किया गया लेकिन आलू कच्चा चीता मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फ्रोक किया जा रहा है। 47 रुपए में कर किया गया लेकिन फ्रोक 70 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह केले की कीमत में 4 रुपए का इजाफा किया गया। 64 की कीमत बढ़ाकर 68 रुपए में कर की गई है लेकिन मार्केट में 68 के बरस केले जो है 90 से 100 रुपए फी किलो तक फ्रोक किए जा रहे हैं। फूल गोभी 60 रुपए फी किलो तक फरोख की जा रही है। शलजम 40 रुपए फी किलो तक और शिमला मिर्च 80 रुपए फी किलो में आज शहरियों को मिलेगी। अरवी 105 रुपए में करे की गई लेकिन फरोख 130 रुपए फी किलो तक की जा रही। मटर 115 रुपए फी किलो सरकारी रेल उसमें है लेकिन मार्केट में मटर जो है वो 130 से 140 रुपए फी किलो तक फरोख किए जा रहे। फलों की रेल उसमें आज दो फल महंगे किए गए हैं जिसमें सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा करके 235 रुपए में करे किया गया लेकिन मार्केट में सेब काला कुल्लू जो है वो 310 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 95 रुपए सरकारी रेलिस में है लेकिन मार्केट की कीमत 140 रुपए फी दर्जन जो है मुकर की गई। इसी तरह पपीता 5 रुपए महंगा करके 220 रुपए मुकर किया गया लेकिन पपीते की फरोख 300 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अंगूर गोला 265 रुपए मुकर किया गया लेकिन फरोख 450 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। अनार बदाना 510 रुपए मुकर किया गया लेकिन अनार बदाने की फरोख 650 रुपए फी किलो तक की जा रही। इसी तरह अनार कंदारी जो है वो 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख किया जा रहा है। अमरूद 72 रुपए सरकारी रेलिस में मुकर किए गए लेकिन मार्केट में अमरूद जो है 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख की जा रही है जिसकी वजह से सुबह सवेरे ही महंगाई जो है वो मार्केट में शुरू हो जाती है। क्योंकि जो इंतजामिया की जानेब से जो सरकारी रेलिस जारी की जाती है उसमें दर्जा अव्वल की जो सब्जियां और फल है उनकी कीमतें मुकर्रर की जाती हैं लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल की सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकनामों के बरक्स कई गुना महंगे दामों खरीदनी पड़ती है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।